गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू चिल्ड्रन। क्लास एट, क्लास एट मैंने दोहा एकादशा पाठ आप लोगों को पढ़ाया, दिखाया, समझाया। और आज मैं कबीर दास की जीवनी के बारे में बता रही हूँ। कबीर दास का जन्म कहा जाता है, विद्वानों का कई मत है, लेकिन कुछ विद्वानों ने कई मत है। विद्वान कहा जाता है कि कबीर दास का जन्म काशी के पास लहरतारा नामक ग्राम में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। लोक लाज के कारण ब्राह्मणी इनको भोर में ले जाकर तालाब के किनारे, गाँव के तालाब के किनारे छोड़ दिया। भोर में रास्ते से नीरू और नीमा नामक दंपत्ति जो निसंतान थे जा रहे थे, बालक को देखकर उठा लिया और लाकर उसका पालन पोषण अपने बच्चे की भांति करने लगे। धीरे धीरे जब ये बड़े हो गए तो इनको पढ़ने के लिए भेजने लगे, लेकिन इनका मन पढ़ने में नहीं लगा। इनका मन प्रवचन सुनने और साधु संतों के बीच बातें सुनने में ज्यादा लगता था। ये सदुकड़ी हो गए। जब माता पिता ने देखा इनका मन नहीं लगा तो घर में करगा चलता था। करगे का काम यानी कपड़े बुनने का काम भी इनसे इनको सौंप दिया, उसमें भी इनका मन नहीं लगा। विवाह कर दिया, एक बेटा और एक बेटी कमाल और कमाली इनके हुए, तब भी ये सांसारिक मायाओं से मुक्त होने लगे और ये साधु संतों के बीच जाकर प्रवचन सुनते थे और उनकी बातों को गौर से सुनते थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के बीच फैली हुई रूढ़ियों का जमकर विरोध किया और खरी खरी बातें कहते थे और ये इन्हें किसी प्रकार का विचार नहीं करते थे। दोनों संप्रदायों के बीच में जो भी बातें अनुचित होती थी उसको कह देते। कहा जाता है कि काशी में जो मरता है उसे मोक्ष प्राप्त होती है। ये काशी में रहते थे और रामानंद के शिष्य बने। कैसे बने शिष्य? इन्होंने रामानंद से कहा कि बाबा हमें भी अपना शिष्य बना लीजिए। रामानंद ने कहा नहीं, तुम जुलाहे के बेटे हो, हम तुम्हें शिष्य नहीं बनाएंगे। तो ये जानते थे कि रामानंद स्वामी भोर में उठ करके गंगा स्थान पर स्नान करने जाते थे। एक दिन इन्होंने क्या किया, जाकर उसी सीढ़ी पर लेट गए और रामानंद खड़ाऊ पहने हुए भोर में चले जा रहे थे। जब ये सीढ़ी पर लेट गए और उनका पैर इनके छाती पर पड़ा तो रामानंद ने कहा कि उठो बेटा, राम राम करो। बस कबीर दास जी ने रामानंद के चरण पकड़ लिए और कहा कि आज से हम आपके शिष्य बने, शिष्य हो गए, आपने हमें राम नाम कहने का शिक्षा दिया। और उसी दिन से ये रामानंद के शिष्य बन गए। फिर इनको पता था कि जो काशी में मरता है उसे मोक्ष की प्राप्त होती है, लेकिन इस रूढ़ को तोड़ने के लिए उन्होंने काशी छोड़ दिया और मगहर में जाकर कुछ दिन तक रहे और सन 1518 ईस्वी में उन्हीं पर अपना शरीर त्याग दिया। यही इनकी जीवनी है। अब यही चीज मैंने दोहा एकादशा में कबीर दास की जीवनी लिखा भी है। देखिए, कबीर दास के जन्म के विषय में कई किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म काशी के पास लहरतारा नामक गांव में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से सन 1398 ईस्वी में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हुआ था। लोक लाज के कारण ब्राह्मणी ने जन्म के बाद इन्हें गांव के तालाब के किनारे छोड़ दिया। प्रातःकाल भोर में नीलू और नीमा नाम के दंपत्ति तालाब के रास्ते से जा रहे थे, बालक को देखकर उठा लिया। वे निसंतान थे, बालक का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे जब बड़े हुए तो नीलू के माता पिता पढ़ने के लिए भेजते, परंतु इनका मन पढ़ने में नहीं लगता था। इनका मन प्रवचन सुनने और साधुओं के बीच साधुओं के संगत में लगता था। ये संत रामानंद के शिष्य बने, जैसा कि मैंने अभी बताया। कबीर सदुकड़ी भाषा में किसी भी संप्रदाय और रूढ़ियों की परवाह किए बिना खरी बात कहते थे। इन्होंने हिंदू मुसलमान सभी हिंदू मुसलमान सभी समाज में व्याप्त रूप
रूढ़वाद तथा कट्टरपंथ का खुलकर विरोध किया। काशी में प्रचलित मान्यता है कि जो यहाँ पर मरता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। कबीर इस रूढ़ को तोड़ने के लिए काशी छोड़कर बाहर चले गए और वहीं लगभग सन 1518 ईस्वी में देह त्याग दिए, शरीर त्याग दिए। ये कबीरदास की भूमि आप लोग नीट एंड क्लीन लिखोगे और लर्न करोगे। सॉरी।